सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग अपने जीवन में काफी कुछ अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, अगर आपको याद हो, पिछले बार Asus Zephyrus M16 2021 जो वेरिएंट था वो इंडिया में काफी ज्यादा लेट लॉन्च हुआ था। द प्रोबेबल रीजन वॉज की सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन था, ऑल बिकॉज ऑफ द कोरोना। लेकिन इस बार जो है दोस्तों, ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे आप लोग क्रिस्टल क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों, अमेजोन पे जो है रोग Zephyrus M16 2022 जो है 8 अप्रैल को 12 बजे आप लोगों को लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगा। आइए बात करते हैं दोस्तों, क्या कुछ जो है स्पेसिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कौन सा जो है वेरियंट आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा और क्या कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को यहाँ पे कंसिडर करनी चाहिए। नाउ मैं ये बिलीव करता हूँ दोस्तों, अगर आप ये वाला लैपटॉप खरीदने वाले हैं या फिर इसका वेट कर रहे हैं, तो दोस्तों आपके पास जो है बजट की कमी नहीं होनी चाहिए। बिकॉज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो बेस वेरिएंट ही है लगभग आप लोगों को 1,50,000 रुपए से जो है ऊपर देखने को मिल जाएगा। नाउ यहाँ पे अगर दोस्तों हम लोग नजर डालें, तो यहाँ पे आप लोग पढ़ पाएंगे दोस्तों कि जो सबसे इसका लोअर एंड वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा अगर ये इंडिया में आता है। बाय द वे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सारे के सारे वेरिएंट जो है इंडिया में नहीं आते हैं, मुश्किल से जो है इसके 2 या 3 वेरिएंट ही जो है आप लोगों को इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। तो इसका सबसे जो लोअर एंड वेरिएंट है दोस्तों, यहां पे NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti वाला, तो ये मैं आप लोगों को दोस्तों रिकमेंड करूंगा कि ना ही लें तो अच्छा है। बिकॉज़ आप इतना पैसा डाल रहे हैं जस्ट टू गेट दी गुड परफॉर्मेंस, तो वो आपकी जो है यहाँ पे टॉप प्रायोरिटी रहनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि RTX 3060 वाला जो वेरिएंट है एटलीस्ट यहाँ पे कंसीडर करें। एक चीज यहाँ पे आप लोग नोट कर पाएंगे दोस्तों कि RTX 3060 की जो यहाँ पे TDP वैल्यू निकल कर आती है, दैट इज 120 वॉट, तो 140 वॉट आपको जो है ये देखने को नहीं मिलता है। कंसिडरिंग ये जो लैपटॉप है दोस्तों, आप लोगों को काफी ज्यादा स्लिम प्रोफाइल में देखने को मिलेगा, सो दैट्स ओके। नाउ अगर मैं वेरिएंट्स की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोगों को हर वेरिएंट में जो है ऑलमोस्ट 16 GB रैम देखने को मिल जाएगी, लेकिन इसका जो टॉप एंड वेरिएंट दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा, वहां पे जो है आप लोगों को 32 GB रैम देखने को मिल जाएगी। अगर दोस्तों मैं डिस्प्ले ऑप्शंस की बात करूं, तो पिछले साल की तरह इस बार भी जो है आप लोगों को डिस्प्ले में जो है डॉल्बी विजन HDR सपोर्टेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, और इस डिस्प्ले का जो रिफ्रेश रेट दोस्तों निकल कर आता है, दैट इज 165 हर्ट्ज। तो कोई भी दोस्तों यहां पे जो है लोअर एंड वेरिएंट आपको देखने को नहीं मिलता है इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन, ओनली इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसर रैम एंड ग्राफिक कार्ड जो है यहां पे लोअर एंड वेरिएंट निकल कर आता है। अक्रॉस द बोर्ड सारा जो हार्डवेयर है दोस्तों फिजिकल, वो आप लोगों को जो है सेम देखने को मिलता है। इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट कि इस बार जो है 90 वॉट आवर की जो है बैटरी आपको देखने को मिलती है। इस लैपटॉप का दोस्तों मुझे एक काफी अच्छा लगता है, दैट इज स्पीकर सिस्टम। आई नो दैट कि जो एप्पल के लैपटॉप्स होते हैं दोस्तों, वहां पे स्पीकर सिस्टम काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, काफी ज्यादा पंची होते हैं, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों विंडोज लैपटॉप की, तो वहां पे कुछ चुनिंदा ही ऐसे लैपटॉप्स होते हैं जहां पे आपको जो है अच्छे स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। That means, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 2x2W के आपको tweakers देखने को मिल जाएंगे और 2x2W के जो है आपको dual force woofers यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। Apart from that, friends, यहाँ पे जो है आप लोगों को video calling करने के लिए AI noise cancellation का जो है यहाँ पे support देखने को मिलता है, high res का support आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और built-in microphones यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। Apart from that, friends, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि latest Bluetooth 5.2 version जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, Wi-Fi 6E का जो है यहाँ पे दोस्तों support आपको देखने को मिल है। So definitely, जो इतना प्राइस आप लोग यहां पे कर रहे हैं दोस्तों, उस हिसाब से जो है आप लोगों को आउटपुट जरूर ही यहां पे देखने को मिल रहा है। आपका क्या मानना है दोस्तों इस लैपटॉप के बारे में, मुझे जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। और जहां तक मैं इंडिया की बात करूं दोस्तों, तो यहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि मैं उनके इंटरनेशनल वेबसाइट पे हूं और सारे वेरिएंट जो है आप लोगों को i9 प्रोसेसर वाले ही देखने को मिल रहे हैं। सो आपको ऐसे कुछ ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो है आप लोगों को इंडिया में जरूर कोई ना कोई i7 वाला जो है वेरिएंट देखने को मिलेगा। बट डेफिनेटली फ्रेंड्स, यहाँ पे प्राइसिंग का देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है कितनी प्राइस बंप यहाँ पे मार जाती है। बिकॉज एज ऑफ नाउ आप लोग देख सकते हैं कि i7 11th जनरेशन का 16 GB का 1 TB वाला जो मॉडल है दोस्तों विद RTX 3060, तो ये एक वेल बैलेंस्ड लैपटॉप यहाँ पे निकल कर आता है। तो इस लैपटॉप की कीमत जो है लगभग इंडिया में आते आते, अगर दोस्तों मेरा एनालिसिस सही है, तो लगभग आप लोगों को 1,65,000 रुपए तक जो है देखने को मिलेगी। बिकॉज 12th जनरेशन के जो प्रोसेसर हैं दोस्तों इंटेल के, उनकी जो प्राइसिंग है वही आप लोगों को ओवरऑल बढ़ी हुई देखने को यहां पर मिल जाएगी। पर्टिकुलर चेंज दोस्तों आप लोग यहां पर रैम कैटेगरी में देख सकते हैं कि पिछले बार जहां पे आप लोगों को DDR4X रैम देखने को मिलती थी, इस बार जो है आप लोगों को DDR5 रैम देखने को मिल रही है, ऑल बिकॉज ऑफ द 12th जनरेशन प्रोसेसर। नाउ ये जो रैम है दोस्तों, ये डुअल चैनल रैम है, दैट इज 8+8, तो आगे चल के जो है आप डेफिनेटली इस रैम को अपग्रेड आराम से करवा सकते हैं। Anyway, friends, अगर आप मेरा कंटेंट एंजॉय कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, मैं ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट आप लोगों के लिए जो है यहाँ पर लाते रहता हूँ।